राहत, तुलसी का कफ, टमाटर। यहाँ रेडी हो गया है तुलसी का पोहा का हलवा। चुप करो। ये जरा मम्मी सब्जी वाला शॉपिंग की, क्या क्या लाई है मम्मी? देखो ना, घास फूस। ये घास फूस है मम्मी? ये मम्मी सच में घास दिख रहा है? ये घास फूस है? ये खेसारी का साग है मम्मी, घास। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर न्यू व्लॉग एंड इट्स मी दिव्या। ओके, तो फाइनली आज इतना दिनों से सोचने के बाद आज हम फिर से व्लॉग स्टार्ट किए हैं, बहुत सोचने के बाद। एंड आज हम रैंडम व्लॉग स्टार्ट किए हैं, नहीं पता क्या होगा इस वीडियो में, क्या नहीं होगा। सो जो भी होगा आगे देखना। वैसे ठंड तो अभी भी है एंड आप मेरा हुलिया देखकर समझ ही सकते हैं कितना ठंड है। वैसे फिलहाल तो धूप है वैसे तो ठंड थोड़ा कम लग रहा है अभी, एंड ठंड का मौसम है। एंड यहाँ पर मम्मी कुछ रखी है, देखिए यहाँ पर रखी है मम्मी सुखोटा, सेम और आलू का सुखोटा। तो हम बिहारी, जो बिहारी होंगे वो रिलेट कर पाएंगे सुखोटे से। तो मम्मी यहाँ पर सुखोटा को सुखाने के लिए ही रखी है, वैसे सूखा हुआ था, बहुत दिन से रखा हुआ था, तो आज मम्मी सुखोटा ही बना रही है। एंड आज एक और चीज़ आपको दिखाते हैं। मम्मी यहाँ पर ठंड के मौसम में आंवला का अचार बनाई हुई है, ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है एंड ट्रस्ट में बहुत अच्छा सेंट आ रहा है। मम्मी ना बहुत अच्छा अचार बनाती है, खासकर आंवला का। आंवला का क्या, हर चीज का। एंड हम ना बहुत दिन से सोच रहे थे कि व्लॉग बनाए तो किस टॉपिक पर बनाए, पर हमको कोई टॉपिक नहीं मिल रहा था और पता नहीं। बहुत दिन बाद आज हम व्लॉग स्टार्ट किए हैं एंड ठंड में ना मेरा स्किन बहुत अजीब सा हो जाता है, तो अपना चेहरा भी दिखाने में मजा नहीं आता है। तो आज से हम सोचे ना कि, वैसे एक चीज और, एक चीज बताए, आज है 29 दिसंबर। तो 29 दिसंबर है और साल खत्म होने वाला है, ऑलमोस्ट साल खत्म होने वाला है। तो हम सोचे कि ये जो जाने वाला साल है इसको क्यों ना कैप्चर किया जाए, क्या पता ये दिन आगे देख के और भी अच्छा लगे। तो ठीक है, आज से हम ना कुछ नहीं तो कुछ अपना हैप्पी मोमेंट कैप्चर करेंगे एंड आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। एंड अब बताना कि कैसा है। वैसे फिलहाल हम यहाँ पर धूप में बैठे हुए हैं, ठंडा लगता है हमको बहुत। एंड अभी हम यहाँ पर घर में बैठे बैठे बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं एंड कुछ कुछ स्टडी भी कर रहे थे, तो सोचे कुछ कैप्चर कर लेते हैं वैसे। ओके, तो अभी शाम का टाइम हो गया है एंड बहुत ज़्यादा ठंडा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है हम लोग का रांची में। और अभी तुलसी इसका भूत चढ़ा हुआ है पोहा बनाने का। आज दूसरा दिन है जो पोहा बना रही है। करो। तो देखो यहाँ पर तैयारी कर ली और ये रहा पोहा का तैयारी, पोहा बनाने का। क्या कर रही है तुलसी? क्या कर रही है? ओके, तो पोहा बन जा रहा है, तब तक हम अभी रेडी कर रहे हैं अपना कॉफी बनाने का तैयारी कर रहे हैं। सो चलो पहले हम कॉफी बना लेते हैं,
फिर मम्मी को देते हैं। ये रहा तुलसी का कोफ्ता। ये तुलसी का कॉफी, ये मम्मी का कॉफी, मसाला, और ये मेरा कॉफी। ज्यादा डला गया। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर ही मम्मी का कॉफी, यहाँ पर दूध। इसको मिक्सअप हो गया। ये मिक्स कर लेते हैं फिर नेक्स्ट बात करते हैं। ओके, तो ये रहा मम्मी का कॉफी, रेडी हो गया है। चलो अभी मम्मी को कॉफी देने चलते हैं, क्योंकि ना अभी मम्मी ना बात करने में बिजी है। ये लो मम्मी, मम्मी कॉफी, कॉफी टाइम। कैसा है? ओके, तो मम्मी को कॉफी देने के बाद ये मेरा कॉफी, और तुलसी दिखाओ क्या कॉफी। देखो, लो देखो। चीयर्स चीयर्स। क्या तुम्हें को ना कैमरा से बाहर जाना है? मम्मी कैसा बना कॉफी? हाँ, कैसा बना कॉफी? बहुत दिन बाद बना है। बोलो। तो भी तेल डाल दिए हैं, ऐसे क्या दिखा रही है? यहाँ पर तुलसी अपना रेसिपी दिखा रही है पोहा वाला। हमको अच्छे से नहीं बना रहे हैं। देखो तेल जल रहा है। देखो ना, अभी सरसों डालना और भागना है। रुको रुको, डाल के भागेंगे। ये है तुलसी का खाना बनाने का तरीका। अब देखना, चाल चाल के भागना है। रुको, पीछे जो रुको। हाँ हाँ, अब ये है तुलसी, इसका खाना बनाने का तरीका। ये भगवान, छींटा पड़ेगा ना तब पता चलेगा। बस 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 बस, ओवर नहीं। अरे आंच तो तेज करो। टमाटर, दीदी यहाँ कर रही है कौन वीडियो? यहाँ रेडी हो गया है तुलसी का पोहा का हलवा। चुप करो। गरम गरम पोहा का हलवा। अब हमको जैसे आते वैसे ही बनाएंगे। ओके, तो आज है डे टू। आज 30 तारीख है, 30 दिसंबर है ना मम्मी, और साल का लास्ट सेकेंड डे है आज। और यहाँ पर आज कल से भी ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ऐसा ठंडा है। और यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, और इधर एक चीज़ दिखाते हैं, कुछ नेचुरल चीज़। देखिए आप, ये देखिए कुछ दिख रहा है, ये है गिलहरी। मम्मी वो लोग का खाने के लिए हमेशा वहाँ पर कुछ सामान रखती है, तो अभी जस्ट मम्मी वहाँ पर चना रखी ढेर सारा। और ये देखिए कितना क्यूट दिख रहा है, बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहा है ये गिलहरी। बहुत सारी चिड़िया भी आती है, अभी गिलहरी ही है।
अभी हम लोग बैठे हुए इसलिए बाकी सब चिड़िया नहीं है, बहुत सारी। अब देखो बस कितना क्यूट है। चावल भी डाले हैं, चना भी, लेकिन चना उसको ज्यादा पसंद है। चना खा रही है, चना को आवाज भी आ रहा है पूरा ये खाने का उसका। इधर मम्मी भी बैठी हुई है धूप में। हेलो बोल दो मम्मी। मम्मी अभी अपना चेहरा नहीं दिखाएगी, बहुत ठंडा है इसलिए धूप पड़ रहा है। तो आज है 31st का शाम, 5 बज गया है। सुबह से हम ब्लॉग करना भूल गए थे और अभी तुलसी है, इसको मैडम को फोटो शूट का शौक चढ़ा था तो अभी फोटो क्लिक कर रही थी एंड बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है कि कल नया साल आ जाएगा कुछ। और आज हम थोड़ा लेट थे, सनसेट हो चुका है, आज का सनसेट नहीं देख पाए पर कोई नहीं, नेक्स्ट डे सनराइज देख पाए मे बी, होप। तो अभी हम लोग नीचे आ गए हैं और देखे कि मम्मी बाजार से आ गई है मार्केटिंग सार्केटिंग करके। ये जरा मम्मी सब्जी वाला शॉपिंग की, क्या क्या लाई है मम्मी? घास फूस। ये घास फूस है मम्मी? ये मम्मी सच में घास दिख रहा है? ये घास फूस है? ये खेसारी का साग है मम्मी, घास दिख रहा है हमको तो। हमको तो घास फूस लग रहा है। और ये है मेरा फेवरेट पपीता। कब से हो गया? तुमको नहीं पता तो हम क्या करें? साग, ये कौन सा साग है? ये खेसारी साग है और इसके नीचे है चना का साग। पर ये मम्मी ये बथुआ साग, खेसारी साग, इसके नीचे चना साग है। चना साग तो पहचान। और ये मेरा फेवरेट गाजर का हलवा जिससे बनता है, मतलब गाजर, मतलब गाजर का ही ना हलवा बनता है। हाँ, तो गाजर ही है ना, कद्दू है, मतलब वही। और ये मेरा सबसे फेवरेट, ये पकोड़ा वाला साग। कल था तो ये बनाई भी नहीं की थी। पकोड़ा वाला साग, ये आने का मतलब होता है कि घर में पकोड़ा बनने वाला है। गाजर का हलवा कब बना रही है मम्मी? ई नींबू भी आया मेरा। तुम्हारा नींबू? हाँ मेरा नींबू। तुम्हारा नींबू कैसा गोभी? बन सकता है? गोभी मतलब चिल्ली ना। तुम्हारा नींबू कैसे बन सकता है? ओके जी, तो फाइनली अब रात का 10 बज चुका है एंड साल का आखिरी दिन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, सिर्फ 2 घंटा बचा है, 10 बज रहा है अभी एंड अभी हम लोग सबका डिनर हो चुका है और बहुत सारे देश में न्यू ईयर आ चुका है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, थाईलैंड और भी वियतनाम, और भी देश है जो वहाँ पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो रहा है एंड क्या बोले, और लोग की तरह पता नहीं पर हमारे जो मिडिल क्लास फैमिली है हमारे यहाँ न्यू ईयर में कुछ खास नहीं होता है, बस सिंपल सा सोए सोए हम लोग का न्यू ईयर आ जाता है। तो अब हम लोग जा रहे सोने, हम वैसा वाला सेलिब्रेशन नहीं होता है। अब जो सेलिब्रेशन होगा ये वो 1 तारीख को, जो भी होगा वो 1 तारीख को ही होगा, मतलब कि कल अगले साल। तो चलो गुड नाइट, अब हम सोने जा रहे हैं, अब सोने जा रहे हैं और अगले साल उठेंगे, मन भर सोएंगे।
तो चलो अब वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो काफी हमको लगता है लंबा हो चुका है, हम उतने दिन से कंटिन्यू कर रहे हैं। सो चलो लेट्स एंड दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना जल्दी से। एंड हाँ, कमेंट जरूर करना यार, कमेंट नहीं करते हो आप लोग। चलो बाय बाय बाय, चलो बाय रखते हैं। चलो कोई नहीं, यहाँ 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 सन है ना, यहाँ से रोशनी आ जाएगा। हाँ बैकग्राउंड अच्छा है यहाँ। ये स्टार्ट कर दिए यहाँ। देखो इस लड़की को मेरा गाजर खा रही है। मेरा है। हाँ जो भी, उससे मेरा वो हलवा बनेगा।